output of given applications. In this case, we are declaring variable of integer types or unsigned int. Unsigned के केस में रेंज क्या रहता है, किसी वैल्यू का मिनिमम रेंज 0, 0, 2, 6, 5, 5, 3, 5. इसका मिली अनसाइंड इंटीजर में 65,535 से बड़ा नंबर और 0 से छोटा स्मॉल नंबर स्टोर करना पॉसिबल. अगर आप नेगेटिव नंबर असाइन करने की ट्राई करेंगे, नेगेटिव नंबर भी कन्वर्ट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट अनसाइंड वैल्यू. नेक्स्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिक्लेयरिंग वेरिएबल एक्स. इसे एक्स के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट कराएंगे लाइक दैट. Variable x. Initial value of x is 65535. And next, one more thing, इस केस में लूप कब तक एग्जीक्यूट हो, जब तक इसका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता. प्लस लूप का बॉडी से दिन कैसा कंप्लीटली एम्प्टी, इस ऑलरेडी हेडर पार्ट टर्मिनेट किया बाय यूजिंग सेमी कॉलन, मींस फर्स्ट सेमी कॉलन. लाइक दैट दिस वन इज अ ओपनिंग, दिस वन इज अ क्लोजिंग. फाइनली लूप का बॉडी से दिन कैसा है, एम्प्टी बॉडी. इसको सिंपली कंसीडर कर सकते हैं ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ मार्किंग सीक्वेंस. एम्प्टी बॉडी इज फर्स्ट सेकंड. सेकंड केस में परफॉर्म किया रहा मेमोरी एलोकेशन ऑफ एक्स एंड इनिशियलाइजिंग वैल्यू फॉर एक्स. नेक्स्ट वन, व्हाइल कंडीशन टेस्टिंग सीक्वेंस 3 इज सेम, दिस कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू व्हाइल सेम एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज एक्स प्लस प्लस. दोनों के एग्जैक्टली मीनिंग कैसे हैं, आल्सो सेम बिकॉज़ इस केस में कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर जीरो रिप्लेस होगा. जीरो रिप्लेस होने से जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो कंडीशन बिकम्स फॉल्स. सेम एज इन दैट केस, जब तक नॉन जीरो वैल्यू आएगा, नॉन जीरो का रिसीव में मीनिंग क्या रहता है, ट्रू, जीरो मींस फॉल्स. दोनों में मीनिंग कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम. इन दैट केस सीक्वेंस सेकंड थर्ड. थर्ड केस में परफॉर्म किया वो कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस फॉर केस केस में x plus plus not equals to 0. x plus plus में फॉर्मूला पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट है तो पहले x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे. करेंटली x में वैल्यू साइन है 65533. रिप्लेसमेंट आफ्टर दैट इमीडिएटली इंक्रीमेंट. पोस्ट इंक्रीमेंट इसलिए जस्ट रिप्लेसमेंट पर परफॉर्म कराएंगे एज अ इंक्रीमेंट इन x, x का वैल्यू क्या है 65534. देन नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन 2 देन फोर्थ केस में कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड बॉडी, बॉडी एम्प्टी अगेन, कंडीशन टेस्टिंग वन मोर टाइम्स. फिर से कंडीशन टेस्ट कराएं अगेन x प्लस प्लस के प्लेस पर रिप्लेस कराएं करंट वैल्यू ऑफ x. x का करंटली वैल्यू फाउंड हो रहा है 65534 जस्ट बिकॉज ऑफ previous increment not equals to 0. Again condition is true. Condition true है, फिर से control send करेंगे inside body 6. Again body part कैसा है empty. Then again condition testing 7. फिर से condition test कराएं. One more things, previous case में सबसे पहले x का value replace किया था 65534. इसके just all apply क्या होना चाहिए था, increment. इसे x का वैल्यू क्या उसको फाइंड 65535. दिस इज द करंट वैल्यू ऑफ x. 65535 के अकॉर्डिंग में इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन राइट करो तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा इसका, 0 15 टाइम्स 1. दिस इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 65535 मींस ऑल टाइम्स 1. अनसाइंड नंबर है, इसके इसमें साइन बिट वन होने पर भी नंबर कंसीडर किया जाए पॉजिटिव. इसको ऑल टाइम्स वन और 16 टाइम्स वन. नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से मिस करेंगे कि एक्स का वैल्यू क्या 65535 सेवन टाइम्स का कंपैरिजन परफॉर्म कराएं. देन पहले क्या हुआ रिप्लेसमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग 65535 देन इंक्रीमेंट. एक्स में इंक्रीमेंट कराएंगे, एक्स का वैल्यू क्या है 16 टाइम्स 1. जब हम 1 ऐड कराएंगे अगेन 1 प्लस 1 इज 0 कैरीज 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरीज 1. एवरी टाइम कैरी क्या आएगा 0, 1 एडिशन क्या आएगा 0 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 एंड अगेन 0. फाइनली कैरी क्या आएगा इस केस में 1, जो कि
कंसीडर हो गया 17 वेट, लेकिन एडिशन क्या है दोनों का फाइनली जीरो। मींस पहले क्या हुआ रिप्लेसमेंट 65535 और 1 ऐड करने के बाद x में जब इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे तो x का न्यू वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली जीरो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एडिशंस। x का वैल्यू क्या हो चुका है जीरो, ये रिप्लेस क्या हुआ था 65535 नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन इज अगेन ट्रू। 7, 8 कंडीशन ट्रू देन बॉडी सेज नेक्स्ट जीरो अगेन वन मोर टाइम्स कंडीशन टेस्टिंग, फिर से कंडीशन टेस्ट कराएंगे x का वैल्यू जीरो हो चुका है इसलिए x के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ जीरो, रिप्लेस जीरो रिप्लेस होने के बाद जब x में इंक्रीमेंट कराएंगे अगेन x की न्यू वैल्यू क्या हुई 1 जस्ट बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट, लेकिन कंपैरिजन किससे हो रहा है जीरो से, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन बिकम्स फॉल्स। 9th केस में कंडीशन फॉल्स हो चुका है इसलिए कंट्रोल सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी, इसको सीक्वेंस प्रदान करेंगे 10th 10 सीक्वेंस में सिंपली डिस्प्ले किया कराएंगे वैल्यू ऑफ एक्स और एक्स का करंट वैल्यू का फॉर्मूला है 1, इसलिए फाइनली इसका आउटपुट क्या प्रिंट हुआ आउटपुट ऑफ दिस कोड इज एग्जैक्टली 1।